आ जाओ दिलजान। खतराए पाक। दिलजान, मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आज अल्लाह तुम्हारे साथ हो, अवाम तुम्हारे साथ हो, ऑडियंस तुम्हारे साथ हो, ज्यूरी तुम्हारे साथ हो, सबके दिल तुम्हारे साथ हो, अनिल जी का झगास तुम्हारे साथ हो। और झगास आप बोल दीजिए सर, आपका लक चल रहा है। भगवान शिव का तुम्हें आशीर्वाद है, जरूर आओ। जरूर जरूर, बहुत दिलजान साहब आइए, एकदम झकास गाइए। मेरे सुरों में है इतनी ताकत कि मैं ही अपने देश को जिताऊंगा। सही किया सी। हिंदुस्तान की जान, दिल जान। जी मैम। स्टैंडिंग ओवेशन मिला आपको।
How do you feel about that? हमारे respected guest ने भी आपको standing ovation दे दिया इस performance के लिए. Final performance, fifth challenge में. Thank you. My pleasure, my pleasure. Absolutely, you are fantastic. बहुत बढ़िया गाया, बहुत जबरदस्त गाया. आप गाते भी अच्छा हैं और मूड में गाते हैं, खूबसूरत भी हैं, handsome भी हैं. मुझे लगता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सब लड़कियां पागल हो रही होंगी आप पे. Congratulations, बहुत बहुत मुबारक हो. आपको लगता है सिंगर ऑफ द डे आपको मिलेगा, आपको या नवील को? हमारा मैम फर्ज है अच्छा गाना, बाकी ज्यूरी, हमारी ज्यूरी जिंदाबाद. ज्यूरी पे डाल दिया ये डिसीजन फिर से. रिस्पेक्टेड ज्यूरी, वी आर वेरी सॉरी. पहले जानते हैं कैप्टन्स का क्या कहना है. कैप्टन आतिफ, दिलजान तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अगर मैं पिछली परफॉर्मेंस देखूं, उससे पिछली परफॉर्मेंस देखूं और उससे भी पिछली परफॉर्मेंस देखूं, तो मुझे ये सब परफॉर्मेंसेस जो हैं ये कुछ एक जैसी लगती हैं. अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, तो मेरा हमेशा से यही, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, बस ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है. आई वुड से कि कुछ और भी, बेशक पंजाबी में गाओ, लेकिन इन कॉर्ड्स से थोड़ा सा निकल आओ. नेक्स्ट टाइम जब गाओगे ग्रैंड फिनाले के लिए, तो प्लीज़ कुछ और ऐसा सिलेक्ट करना जो इन कॉर्ड से बाहर हो. दिस इज जस्ट अ सजेशन. बिल्कुल सर, तुमने बहुत अच्छा गाया, वाज परफेक्ट, माइंड ब्लोइंग. बहुत बहुत ही कमाल गाया हमने, बहुत लाजवाब गाया. और आतिफ जी ने जो सजेशन दिया है उसे भी एक सीख समझ कर लेना. और मेरी तरफ से, क्योंकि अभी कर रहा हूं मैं 14-15 पिक्चर हैं, तो उसमें मैं तुम्हें ये जोन में पूरा एक्सप्लोर करूंगा, बहुत बड़ा स्टार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस ऊपर वाला रहे, ये मेरा वादा है. गाने गवाऊंगा अच्छे खासे इसी जोन के, सुपर हिट करूंगा, तेरे घर में रोजी रोटी बरकत सब आ जाए, फिर हम वर्सिटैलिटी भी प्रूव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. पहले तेरे घर में तेरे माँ बाप, तेरे माने तू इतना बड़ा स्टार बन जाए कि फिर कोई मुझे आकर कभी ये ना कहे कि रियलिटी सिंगर्स वाले सुपरस्टार्स क्यों नहीं बनते बड़े बड़े लेजेंड्स की तरह. तू बनेगा बेटा, बिकॉज तेरे में वो बात है और वही जोन में तू बनेगा, भगवान करेगा. मेरी दुआ भी तुम्हारे साथ है, बिल्कुल इसी जोन में तुम अल्लाह करे और आगे जाओ. और जैसे हिमेश जी ने कहा है कि तुमसे गाना गवाए, और कई बहुत बड़े कंपोजर्स भी तुमसे और अच्छे अच्छे गाने गवाएं, ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए. वाह दिलजान, ये झकास, आई थिंक अनिल जी वाकई वर्क कर गया. एक बार आप ग्रैंड फिनाले के लिए अगर झकास बोल दे तो. इन्होंने इतना अच्छा गाया कि इन्हें झकास की जरूरत ही नहीं है. बहुत सही. आई थिंक वी शुड गो टू द जूरी मेंबर्स फॉर द मार्क्स. या यस आशा जी, आशा जी सुर ताल और एक्सप्रेशन के जंग में 0 या 10, 1, 2, 3. अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया रहा है आपके लिए आज का एपिसोड. तुम्हारा सुर कहीं भी हिलता नहीं है, कहीं पर भी जाके आते हो, तान लेते हो, हरकत लेते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हारा सुर नहीं हिलता, और ये बहुत बड़ी बात है. और मैं ये भी कहूँगी कि इससे पहले हमने क्या क्या तुम लोगों ने नया नया किया था, क्या बोलते हैं उसको, मेडली ये वो, उसमें तुमने ये भी बता दिया कि मैं हर तरह का गाना गा सकता हूँ, कि ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ पंजाबी गाऊँ. तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है तुम्हारे बाहर आने में और फिल्म लाइन में. ये बात तो ज़रूरी और बोल देती हूँ कि हिंदुस्तान में मुंबई नाम का जो शहर है, वहाँ आए बिना नाम मिलना बड़ा मुश्किल है. बराबर कहा मैंने? बिल्कुल, मेरी तो मुंबई की पैदाइश ही है. गुजराती बॉय, बॉर्न इन मुंबई, हमारा पंजाबी आ गया हमारे. मराठी, मर के हटने वाले मराठी, जो तो हमारी आशा जी है ही. मैं हूं. जो हमारी सुर की देवी है और उनका जो विजन है, बस सलाम है उनको. करेक्ट. लाजवाब लाजवाब लाजवाब. बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही आपने अच्छा गाया. और मैं दुआ देती हूँ कि हमेशा आप खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही गाते रहें. दिल जान, दिल जान, सुपर डुपर हिट.
क्या बात है. ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है. फॉर द लास्ट टाइम. फॉर द लास्ट टाइम रुना जी. नहीं. पूरी कोशिश करूंगा ये दिलजान अपना दिल और पूरी जान लगा दे उस ट्रॉफी के लिए और ये ट्रॉफी हिंदुस्तान में ही जाए. वंदे मातरम. सर मैं आपको एक बार गले लगाना चाहता हूँ. मैं आता हूँ.